मैं जब तक गुरुकुल में पढ़ता था तब तक मैं गुरुजी की सेवा नहीं करता था, तब तक मैं सोता नहीं था। ये मेरे गुरुजी हमें झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैं सेवा करते करते मेरे पसीने जब टपकने लग जाते थे तो गुरुजी कहते थे छोड़ दो, और ये नियम था। लेकिन आज हमारे समाज की दुर्गति है कि मरने के बाद इतना बड़ा लिस्ट आएगा और कहेंगे कि पलंग दीजिए, तोशक तकिया, खटिया मचिया, पंतुआ, रसगुल्ला, गुलगुल्ला, जितना चीज है, टॉर्च, बत्ती, चप्पल, जूता, लिपस्टिक, पिटिस्टिक, जितना चीज है सब लिस्ट बन गया। अब पंडित जी आया, उठा के भाग गए। कहे किसके लिए ले जा रहे हैं, तो कहे तुम्हारे बाबूजी को ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए कहा जीवित में कभी सेवा नहीं किया, मरने के बाद सब किया। अरे सर, श्राद्ध का वास्तविक अर्थ होता है सेवा, तर्पण का अर्थ होता है बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दो, वही तर्पण है, और पिंड जो देव चढ़ाते हैं आप लोग पिंड दान करते हैं वही होगा, उनका बढ़िया बढ़िया भोजन करवा दीजिए, इससे बढ़कर के क्या होगा। जीवित में कभी माता पिता जी की सेवा नहीं किया और मरने के बाद क्या करते हैं कि सब कुछ दान करते हैं, वाह वाह। लेकिन हमारे ऋषि ने कहा है कि वेद का भेद जब तक जब से जब भुला गए तब से ये अभी भी अच्छाई हुई है। वेद का भेद भूल चुके हैं हमारे मुनि जी बैठे, ये रात दिन एक करके समाज का सेवा करते हैं। एक ऋषि दयानंद आए थे जो वेद की ज्योति जलाए, उन्होंने समझाया कि जीवित माता पिता की सेवा कीजिए और मरने के बाद केवल एक ही संस्कार होता है, वो शमशान घाट में जाकर के जलाइए और जला करके आने के बाद 3 दिन तक हवन कीजिए, और हवन करने के बाद गुरुकुलों में दान कीजिए, अनाथालयों में दान कीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दीजिए, लेकिन कुसंगत में न पड़े। यही बात कवि ने लिखा है, भेदवा के भेदवा जब से भुलाई गई अविद्या के दल दल में फसला हो कहिया, अविद्या के दल में फसला हो कहिया, करी हो दिन है, ठिठुर ठिठुर करके माता पिता रहते हैं। कहा एक बार भी रजाई के लिए नहीं पूछा, लेकिन क्या होता है, ठिठुरे ठिठुरी मैया दिनवा दुदवा लस हो, दिनवा दुदवा लस हो, हुआला कर तो सक पतिया बेला हो बतिया, जीविता में पिहल डाली मुआला पर लोबा खाली, जीविता में पिहल डाली मुआला पर लोबा खाली, कलयुग के पिहला भरमा हो बतिया, कलयुग
सवानंद की मरने के बाद दो सप्तक या पलंग सब दान करते हैं, जीवित में घर पर गाली देते हैं एक बार।